सर, डॉक्टर्स डे पर किस तरह का संदेश आप साथी डॉक्टर्स को देना चाहेंगे और वर्तमान समय में जो रोगों से रोकथाम के लिए क्या आप सुझाव देंगे आम जनता को? मैं सभी डॉक्टर साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सभी ईमानदारी से काम करें और जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो इस समय दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, दस्त और जॉन्डिस, इनसे हमें बचना होगा। जी और इससे बचने के लिए हमें स्वच्छ पानी का उपयोग करना होगा। स्वच्छ पानी, अगर बोर का पानी है तो उसमें अपन ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, जी अगर नहीं तो उसको उबाल के पीना है जी ताकि हम इन बीमारी से बच सकें। सर, जन साधारणतः गांव में तो इतनी साफ पानी की व्यवस्था हो नहीं पाती है, तो एहतियात बरतने के लिए पानी में ब्लीचिंग पाउडर आपने बताया कंपलसरी है। उसके साथ साथ सर, जैसे अन्य बीमारियां मलेरिया वगैरह हैं, टाइफाइड है, इनको गांव में इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो कितना रिस्की हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है देखिए, ये? मलेरिया दो तरह का होता है, एक बायोवेक्स होता है, एक फॉल्सीपरम होता है। जी तो ये तो जांच से ही पता लगेगा, अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको अस्पताल में जांच कराना ही पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कौन सा मलेरिया है, जी तभी हम मलेरिया से बच सकते हैं, क्योंकि फॉल्सीपरम मलेरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कई उसमें बार आदमी जी जान ले सकती है। कई बार जो गांव के डॉक्टर्स रहते हैं उनको हाथ दिखा के दवाई ले लेते हैं, तो इस तरह की दवाइयां लेना कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, इस तरह की दवाइयाँ लेना खतरनाक तो है, पहले मेरा यही सुझाव है कि पहले आप जांच कराएं, इसके बाद ही दवाइयाँ लें जी ताकि ये पता चल सके कि आपको कौन सी बीमारी है। जी एक दो दिन में इलाज नहीं करवाते, घर पे ही रह के ठीक करा लेते, कराने का सोचते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता ये है? कभी कभी बहुत ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि एक दो दिन में ही मरीज की कभी कभी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जी जब तक वो अस्पताल पहुँचता है तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर अगर फीवर है तो आप पहले जांच कराइए अस्पताल में आकर, इसके बाद ही दवा लें। धन्यवाद सर। डॉक्टर डे पर मैम क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि आज 1 जुलाई को हम सभी डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। सभी मेरे साथी जो डॉक्टर्स हैं उनको हैप्पी डॉक्टर्स डे। साथ ही मैं विमेंस को कुछ मैसेज भी देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि सभी लेडीज़ जो मेरे से परिचित हैं या आसपास हैं या ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, वे अपनी एवं अपने परिवार की हाइजीन पर विशेष ध्यान दें। स्वयं का भी ख्याल रखें, घर का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने परिजनों का भी ख्याल रखें। इसके लिए उन्हें थोड़ा सा अतिरिक्त कार्य जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन जो परिवार का स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है वुमेन के ऊपर, तो वे इस कार्य में पीछे ना हटें, क्योंकि वे यही कार्य अच्छे से कर सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि औरतों के ऊपर परिवार के पोषण का पूरा भार सौंपा गया है, तो वे अपने बच्चों के पोषण के लिए अच्छे से अच्छे खाने का इंतजाम करें, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, चिप्स, कुरकुरे, ऐसी चीज़ों से उनको बचाएं। इसके बदले में, हालांकि बच्चे यही चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए माओं को घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर देनी चाहिए ताकि बच्चे घर की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट भी हों और उन्हें पूरा पोषण भी मिले।